गाइस, तो आप देख रहे हैं खान का ओली ब्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आ चुका हूँ घनसोली की सरजमी पे हजरत महमूद शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ में। यहाँ पर हजरत का उर्से पाक मनाया जा रहा है, तो आज का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं और ज़ियारत करते हैं दरगाह शरीफ की। तो माशाल्लाह गाइस, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं घनसोली की सरजमी पे हजरत महमूद शाह चार पीर बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ में। बताया जा रहा है कि हजरत की बारगाह में आज उर्स पाक मनाया जा रहा है, तो उर्स का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। मैं आज आप लोगों को दरगाह शरीफ की भी ज़ियारत कराऊँगा, और यहाँ पर जिस तरह से उर्स पाक मनाया जा रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो माशाल्लाह गाइस, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये गेट है दरगाह शरीफ में अंदर जाने का, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, क्योंकि हजरत की बारगाह में उर्से पाक मनाया जा रहा है और उर्स के मौके पर काफ़ी अच्छी सजावट की गई है यहाँ पर। तो अभी यहाँ का क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पर दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर आप लोगों के भी इलाके में कोई दरगाह है या किसी दरगाह का उर्से पाक मनाया जा रहा है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह अज़ल हम वहाँ पर भी ज़रूर आएंगे, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किए वो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अभी आगे का क्या कैसा माहौल है। सचिन भी आके गया भाई, मेरे को वीडियो कॉल पर व्हाट्सएप कॉल से तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस, जैसे कि भी आप लोग देख सकते हैं कि हज़रत महमूद शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ चार पीर दरगाह शरीफ, जो कि घनसोली की सरजमी पे मौजूद है, और हज़रत की बारगाह में आज उर्से पाक मनाया जा रहा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उर्स के मौके पर काफ़ी अच्छी सजावट की गई है दरगाह शरीफ की, और आज शाही संदल भी निकलेगा दरगाह शरीफ से, जो कि असर बाद निकल चुका है, और अभी किसी भी वक्त संदल आता होगा दरगाह शरीफ में पेश होने के लिए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर दबा दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अभी कुछ ही देर में संदल भी आएगा, तो संदल का क्या कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा हम लोगों को, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के ज़रिए से दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Thank you.
तो माशाल्लाह गाइस, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। और यहाँ पर दरगाह शरीफ का पूरा नाम लिखा हुआ है, हज़रत सैयद महमूद शाह बाबर रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो चलिए अभी दरगाह शरीफ की मैं आप लोगों को लाइव ज़ियारत कराता हूँ। तो जो भी आप लोगों की जायज़ तमन्नाएँ, दिली मुरादें, वो आप लोग सरकार की बारगाह में अर्ज़ कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आप लोगों की सारी जायज़ तमन्नाएँ, दिली मुरादें पूरी होगी। आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़ियारत कर लिए होंगे। तो अभी देखते हैं, संदल आने का वक्त हो चुका है, तो अभी बाहर जाएंगे हम और देखेंगे कि संदल किस तरह से निकाला गया था और किस तरह से हज़रत की बारगाह में पेश किया जाएगा। तो गाइस, अभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।
Thank you.
माशा अल्लाह जैसा कि अभी आप लोगों ने देखे कि संदल आ चुका है और अभी चादर पेश की जाएगी हज़रत की बारगाह शरीफ में। तो गाइस अभी फिर से मैं आप लोगों को एक बार लाइव ज़ियारत कराऊंगा, तो गाइस अभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किए वो वहाँ भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के भी इलाके में कोई दरगाह है या किसी दरगाह का उर्स-ए-पाक मनाया जा रहा है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल मैं वहाँ पर भी ज़रूर आऊँगा या तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो माशाल्लाह गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पे दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में लौटूंगा, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा अपने भाई को।